फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे फ्लाइट में जाने का मेन दरवाज़ा है और चलते हैं अंदर। तो ये एक छोटा सा बालकनी है और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने धूप में कपड़ा फंसा रखा है। और ये बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हो, इस तरह से आता है बाहर का व्यू। तो चलते हैं, मैं आपको अपने हॉल में सबसे पहले लेके चलती हूँ। और देखिए यहाँ धूप में मैं रैबिट को रखी हूँ। तो मेरा ये हॉल है, हॉल का लुक मैं आप सभी के साथ दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक बेसिन लगा हुआ है और बेसिन के साथ ये ब्रश रखने के लिए मैं मंगवाई थी अमेज़न से, वो है। और इधर से बाहर का व्यू दिखता है। तो इधर विंडोज हैं और विंडो से बाहर का व्यू दिखता है। तो यहाँ पे हॉल में यहाँ बच्चे टेबल लगा रखा है, बुक रखा हुआ है, बच्चे यहीं पे पढ़ाई करते हैं। और ये देखिए किट्टी, और यहाँ पे एक घड़ी लगा रखे हैं हम लोगों ने। और बालकनी से बाहर का व्यू दिखता है। इधर आप बालकनी है एक छोटा सा, और यहाँ पे देखिए हम लोग फ्लावर पॉट इस तरह से लगाए हुए हैं। तो इसमें अभी पौधे उतने नहीं लगे हैं। तो ये मेरा हॉल का पूरा लुक है। ठंडे के दिनों या गर्मी के दिनों में मैं विंडोज को खोल देती हूँ, क्योंकि बाहर से धूप हमारे घर में आए और जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है वो बाहर निकल जाए। तो इसके लिए मैं विंडोज को खोल के रखती हूँ। और आप लोग देख सकते हो मेरा हॉल का पूरा लुक इस तरह से आता है। सो मैं आप सभी को फिर दिखाऊंगी। अभी मैं आपको बता दूं कि ये हॉल से ही मेरा बाहर का सीन अच्छे तरह से दिखाई देता है। और जहाँ आपको एक मंदिर वाइट सा दिख रहा है, मैं उसे जूम करके आपको दिखाऊं। और पास में ये तालाब सा है, यहीं से हम लोगों के दिखता है। ये हमारा तालाब है जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे गाड़ी का पार्किंग वगैरह है। सो वहीं पे तालाब है, वो हम ही लोग का तालाब है। तो चलिए मैं आप सभी को हॉल को सीन दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा हॉल का फाइनल लुक इस तरह से आता है। और हॉल से ही बालकनी अटैच है। और मैं उस तरफ से दिखाती हूँ आपको। तो इसी तरह से मेरे हॉल से दोनों तरफ से बालकनी अटैच है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मास्टर बेडरूम है और इसमें अटैच बाथरूम है और ये वार्डरोब है। इस तरफ विंडो है और इधर भी विंडो है
दोनों तरफ से विंडो है, बट इसमें अभी मैं कर्टन नहीं लगवाई हूँ क्योंकि इसमें अभी जो लकड़ी मिस्त्री आए थे वो अभी इसमें पर्दा का जो होता है रॉड वो नहीं लगाए हैं, इसके लिए मैं कर्टन अभी नहीं लगाई हूँ। तो आएंगे वो संडे के दिन को लगाएंगे हम लोग। और इधर मेरा टीवी है और यहाँ पे की होल्डर है और एक छोटा सा वार्डरोब है और यहीं पे मैं मेकअप का सामान रखती हूँ। सो अभी ड्रेसिंग टेबल मेरा बनकर रेडी नहीं हुआ है तो इसी से काम चलाना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ मैं आपको किचन दिखाती हूँ, ये मेरा किचन है और छोटा सा प्यारा सा मेरा किचन है ये, तो मैं इसी में खाना बनाती हूँ। साइड में बेसिन है और ये सिंक वाले बेसिन है, लगा हुआ सिंक है और ऊपर आप देख सकते हो इस तरह से मेरा किचन है। सामान ऑर्गेनाइज उतने नहीं है बट मैं जल्द से इसको ऑर्गेनाइज कर दूंगी। ये वाटर फिल्टर है और यहाँ एक विंडो लगाए हम लोग और इसी तरह से मेरा किचन का लुक है। और मैं कुछ बर्तन नीचे भी रखती हूँ। और इसी से अटैच मेरा एक छोटा सा बेडरूम है, ये बच्चों का बेडरूम है। तो ये देखिए एक वार्डरोब यहाँ पे हम लोगों ने बनवाया है, इसमें बच्चे का कपड़ा रहते हैं क्योंकि बड़े और बच्चे का कपड़ा साथ में रखो तो आपस में मिल जाते हैं, उसे खोजने में दिक्कत होती है, इसके लिए बच्चे के लिए यहाँ पे वार्डरोब बना दिया है। और एक छोटा सा बेड यहाँ पे लगा रखा है हम लोगों ने और इधर भी विंडो है और इधर से बालकनी आप देख सकते हो, बाहर का सीन इधर से भी दिखाई देता है। और ये छोटा सा विंडो इधर है और ये छोटा सा बेड लगाया यहाँ पे। इस तरफ से आप लोग को दिखा दूं तो इधर से ये रूम में अटैच विंडो है और इधर से मैं किचन में जा सकती हूँ, इधर से भी मैं किचन में जा सकती हूँ और उस वाले बेडरूम से भी मैं किचन में आ सकती हूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये गेट और ये गेट दोनों किचन में अटैच हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ्रिज लगा रखा है और ये मेरा किचन है साथ में अटैच दोनों बेडरूम से। और ये मेरा वार्डरूम है और ये मेरा छोटा सा पलंग, इधर विंडो है। तो इधर से भी बालकनी, अच्छे से बालकनी से बाहर का सीन दिखाई देता है, हरे भरे हरियाली। और ये मेरे घर से कुछ ही दूर पे ये सड़क है जो आपको पटना मसौढ़ी कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको दिख रहा है ये ग्रीन वाले स्कॉर्पियो, ये हम लोग का स्कॉर्पियो है और ये पीले वाला
जो दिख रहा है वो मकान भी हम लोग का ही है, तो इससे भी अच्छे और अच्छे ब्लॉग मैं लेके आऊँगी और अच्छे तरह से होम टूर मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बस आज इतना छोटा सा ही, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये रियल होम टूर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।